Warning disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purpose only. Note, this channel educational purpose only. Hey guys, welcome to Half Hacker. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Wireshark Network Analyzer Tool को कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसे यूज कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमें कोई सा भी ब्राउजर हो या फिर आपके पास जो काली लिनक्स है ना, उसमें आप इंस्टॉल ही आता है, इंस्टॉल ही पहले से ही इंस्टॉल आता है ये टूल। बट आपके पास अगर विंडोज़ है तो आपको ये टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको ऊपर यूआरएल बार में यूआरएल टाइप करना है Wireshark। उसके बाद नीचे Wireshark की वेबसाइट आएगी, उसको ऊपर क्लिक करना है और सामने ही यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का। उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका 64 बिट है या फिर 32 बिट या फिर कोई भी मैक और कोई और है, इस पर ये होता है। अगर आपका पीसी 32 बिट है आप 32 बिट वाला डाउनलोड कीजिए, मेरा 64 बिट है इसलिए मैं 64 बिट डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। आपको ये प्रोसेस पता ही होगी डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करना है, ये प्रोसेस को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर वाईफाई में मेरा नेटवर्क वाईफाई है, मेन नेटवर्क वाईफाई है। यहाँ पर दिखा रहा है कि एक लाइन दिख रही है, वही यूज़ हो रहा है इसलिए वही दिखा रहा है। तो मैं उस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसका ट्रैफिक पूरा आपको पता चल जाएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रहा है और कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है और कैसी रिक्वेस्ट जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल, मेरे माउस को कर्सर को आप देख सकते हैं। आप यहाँ से हर एक आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, यहाँ से हर एक पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं, हर एक रिक्वेस्ट को। हालांकि ये इनक्रिप्टेड होता है बट आपको यहाँ पर सोर्स की आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो लिखा है वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हैं और उसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोर्स मतलब आपकी जो आईपी एड्रेस है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था IPv4 क्या होता है, स्टैटिक आईपी क्या होता है, डायनेमिक आईपी क्या होता है, और आपका आईपी एड्रेस से देख सकते हैं। यहाँ पर HTTP मतलब जो कनेक्शन आप प्रोटोकॉल समझ सकते हैं, यहाँ पर TCP, ARP, UDP ये अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। ये प्रोटोकॉल का मैंने बताया नहीं है, आप कमेंट करके बता दीजिए, बताना है तो मैं सारे प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप कोई भी गूगल कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर सोर्स के आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस आपको पता चल सकती है, मतलब कनेक्शन कैसे बिल्ड हो रहा है या आप समझ सकते हैं कहाँ पर कैसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। ये बैकएंड की प्रोसेस होती है, ये दिखती नहीं है बट ये आप Wireshark की मदद से आप सभी प्रोसेस देख सकते हैं। ये आपको मदद होगी और यहाँ पर सब डिटेल्स आप उसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। और कुछ आप देख सकते हैं तो गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।